नहीं बिजनेस इकोनॉमिक जिहाद है ये। अब खरीदार होने के नाम पर, जैसा कि अखिलेश मिश्रा जी किसी बात को बिंदु को रेखांकित कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जिहाद है, कहीं ना कहीं मनी कंसंट्रेशन पर कहीं ध्यान है तो नहीं इस पर एजेंसियों को चर्चा करने की? ये भी तो बॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं। मजहबी एमएलए का बोल बच्चन, पर्टिकुलरली अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी के दुकानों से मत खरीदिए, ये मुद्दा ही कुछ और है जी। अरे क्या क्या छोड़ोगे आप, यहाँ का हवा छोड़ दोगे आप, यहाँ की मिट्टी। और अंतिम में मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो किसी भी पार्टी के लोग हो, भैया आप कृपा करिए, आप केवल दुकान से सामान खरीदना मत छोड़िए, आप यहाँ की मिट्टी भी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के कैराने से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों से नाहिद कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक दुकानदारों से सामान ना खरीदें। वो ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों के सामान खरीदने से ही बीजेपी वालों की दुकान में सामान बिकता है और उनका घर चलता है। इनसे सामान लेना बंद कर दो, 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो चाहे पानीपत से जाके ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है, थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हमारे, हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा है। तो सभी से मेरी, आप सभी से, जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, यहाँ थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गांव गुवाण के लोग हैं जो आसपास के हैं, यही मैं एक मैसेज देना चाहता था सिर्फ अपने ही सराय के लोगों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वही कैराना के विधायक हैं जिस कैराना में पलायन का मुद्दा हावी रहा था, जहां से हिंदुओं के पलायन करने पर वहां मजहबी सियासत के चरम का एहसास पूरे देश को हुआ था। आज उसी कैराना के मुसलमानों को फिर से बरगलाया जा रहा है कि भाजपाइयों की अकल ठिकाने के लिए उनसे किसी भी तरह का ट्रेड ना किया जाए, कि भाजपाइयों की अकल ठिकाने के लिए उनसे किसी भी तरह का ट्रेड ना किया जाए। देखिए, ये आजम खान को तो जाने दीजिए, करंट मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ। ये मुद्दा ही कुछ और है जी। ये मुद्दा ही कुछ और है जी। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है ना कि राजनीति के लोग राजनीति के सहारे धर्म को साधते हैं, यहाँ सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि धर्म के सहारे राजनेता लोग जो है राजनीति को साधते हैं, यानी चुनाव जीतना वगैरह। ये अगर इनकी मानसिकता देखिए जिन्होंने इन्होंने बोला है ना, और बैक ऑफ द माइंड लेटेंट वे में देखिए, ये अपनी राजनीति के सहारे धर्म को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, पर्टिकुलरली अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी के दुकानों से मत खरीदिए, पर्टिकुलरली अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी के दुकानों से मत खरीदिए, मैं इनको बोलता हूँ, मैं ऐसे मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है आप दुकान से सामान मत खरीदो, जहां ये है कैराना वगैरह, गंग नहर जाती है, गंगा जी का पानी जाता है, उसी से सिंचाई होती है, उसका पानी मत पियो, हिंदुस्तान के खेतों से जो है अनाज लेना छोड़ दो, यहाँ की हवा जो है उससे सांस लेना छोड़ दो, मंगा लो ना सारी चीजें मक्का और मदीना से, देर क्यों है। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनके दिमाग में ये भरा पड़ा है ना कि मुसलमान तो पैदाइशी गाजी होता है, एक मुसलमान 10 दूसरे धर्मों के लोगों के बराबर होता है, मुसलमानों का हक केवल यह है कि वो केवल राजा होंगे, केवल शहंशाह होंगे, पूरी दुनिया की अकल ठिकाने लगाने के लिए ऐसे मुसलमानों ने ठेका लेके रखा हुआ है, और राजनीतिक पार्टियां इनको शह देती हैं। समाजवादी पार्टी ने आज तक बोला नहीं, समाजवाद का सिद्धांत ये नहीं है, समाजवाद का सिद्धांत है सब बराबर का। इनको बोलो ये माई के लाल हैं तो जरा एक हफ्ते तक दुकान से ना खरीदे, और देखे इनको नानी याद आती है कि कौन याद आता है कि नाना याद आते हैं, मंगाए ये गल्फ से सारी चीजें, जब ये एकदम से आइसोलेटेड रहना चाहते हैं और इस तरीके की ये बात कर, अरे क्या क्या छोड़ोगे आप, यहाँ का हवा छोड़ दोगे आप, यहाँ की मिट्टी। और अंतिम में मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो किसी भी पार्टी के लोग हो, भैया आप कृपा करिए, आप केवल दुकान से सामान खरीदना मत छोड़िए, आप यहाँ की मिट्टी भी छोड़ दीजिए। अरे क्या क्या छोड़ोगे आप, यहाँ का हवा छोड़ दोगे आप, यहाँ की मिट्टी।
और अंतिम में मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो किसी भी पार्टी के लोग हो, भैया आप कृपा करिए, आप केवल दुकान से सामान खरीदना मत छोड़िए, आप यहाँ की मिट्टी भी छोड़ दीजिए। जाहिर तौर पर आखिरकार किस बात का ये सबक, किस बात से सिखाना चाहते हैं? सांप्रदायिकता फैलाने का एक जरिया बना रखा है, कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का एक जरिया जाहिर तौर पर बना रखा है। देखिए ये सब बिजनेस है, और जहां आपको सेल करनी हो वहां अपने ढाबे का नाम वैष्णो ढाबा रख दो। नहीं नहीं बिजनेस नहीं, इकोनॉमिक जिहाद है ये, इकोनॉमिक जिहाद है ये। तो ऐसे नहीं नहीं बिजनेस नहीं, इकोनॉमिक जिहाद है ये, इकोनॉमिक जिहाद है ये। तो ऐसे करके जहां हमें सेल करनी है वहां हम अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर ले। मैं आपको ऐसे कई वीडियो दिखा दूं जो व्हाट्सएप पे वायरल चल रहे हैं कि जहां वो लोग बच्चे आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो वहां अगर उससे नाम पूछो तो राम नरेश या दिनेश या सुरेश बताएं जी, एक बात, और लेकिन उनका असली नाम कुछ और होगा। अब खरीदार होने के नाम पर, जैसा कि अखिलेश मिश्रा जी किसी बात को बिंदु को रेखांकित कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जिहाद है, कहीं ना कहीं मनी कंसंट्रेशन पर कहीं ध्यान है तो नहीं? इस पर एजेंसियों को चर्चा करनी चाहिए। अब खरीदार होने के नाम पर, जैसा कि अखिलेश मिश्रा जी किसी बात को बिंदु को रेखांकित कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जिहाद है, कहीं ना कहीं मनी कंसंट्रेशन पर कहीं ध्यान है तो नहीं? इस पर एजेंसियों को चर्चा करनी चाहिए। ये भी तो भारत को जोड़ने की बात करें ना कि तोड़ने की, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ और नफरत फैलाने से और कुछ नहीं होगा, हम टूटेंगे। नहीं, ऐसे लोग जब ऐसा एक्ट करेंगे, ऐसा काम करेंगे, तो उनका क्या होगा? फिर लिंचिंग ही होगी ना ऐसे लोगों की। क्या नहीं कर दी लिंचिंग आप? हाँ। कर दीजिए जाके ऐसे जाइए, आप गलत तरीके की बात कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग, इस बात को क्या बढ़ावा दिया जाएगा?
कि कोई ऐसे बात करेगा तो आप बाब लिंचिंग को बढ़ावा देंगे। ये किस तरीके की बात है सर? एक मिनट, आप शांत होइए, आप शांत होइए सर। सर उसका फैसला कानून करेगा, उसका फैसला कानून करेगा, उसका फैसला कानून करेगा। एके मिश्रा जी मैं आवाज गिरवा दूंगी, आवाज गिरवा दूंगी। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिनके ये बोल के निकल जाते हैं उसका मिश्रा जी एक मिनट एके मिश्रा जी को क्या फर्क है आप में, क्या फर्क है आप में? बोल रहे हैं आप शामिल है, केरला में अभी शांति है, उसके बाद ये आकर के शांति भंग कर रहे हैं। तो क्या है सरकार आपकी वहाँ बैठी हुई है, उसको फिर से अंदर करना चाहिए था। बोलने का क्या मतलब होता है? उसको जेल में डाल दो, रासुका लगा दो, उसको जाके समझाइए कि बोलने का क्या मतलब होता है। रासुका लगा सकते हैं, फेवर मत करिए, उनको जाके समझाइए उनके लिए। नहीं तो आप पूरे मुसलमान आपको नहीं समझ में आ रहा सर, कोई नहीं समर्थन कर रहा है, कोई नहीं समर्थन कर रहा पूरे मुसलमानों का। शांत होइए आप लोग, आप लोग शांत होइए। मिश्रा जी, मिश्रा जी आप उनके मकसद को कामयाब कर रहे हैं, मैं उनके मकसद को कामयाब कर रहे हैं, जो उनकी सोच है आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, क्या लेंगे आप इससे ज्यादा? जो भड़का रहा है आप भड़क रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आऊंगी सर, काजल सिंघाला हमारे साथ जुड़ी है। काजल जी बोलिए। मैं धर्म और जाति के भेदभाव को ना तो मानती और ना ही मैं इस तरह के स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हूँ। जहां तक कैराना के सिटिंग एमएलए नाहिद हसन का सवाल है, इन्हें समझ आनी चाहिए कि कैराना इज अ कम्युनली सेंसिटिव एरिया। यहाँ का इतिहास रहा है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब हिंदुओं का पलायन हुआ। आज की तारीख में 85% मुस्लिम है वहाँ पे और 15% हिंदू है, जबकि 2001 के आंकड़े थे कि वहाँ पे 52% हिंदू थे। इस तरह की स्टेटमेंट देकर, ये जिस तरह का देश में हिंदू मुस्लिम एक सेंसिटिव मुद्दा है ऑलरेडी, उसको क्रिएट करने का राइट क्रिएट। सुनिए काजल मैम क्या बोल रही है, मैंने बोला था तो ऑब्जेक्शन था। मिश्रा जी बॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं, बॉब लिंचिंग की बात आप कर रहे हैं, आप बॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, कैसे लोग बयान देंगे तो मॉब लिंचिंग होगा सर। ये बात हम, ये स्टेटमेंट आप, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि इस स्टेटमेंट आप बोलेंगे। सुनिए, मैंने उन तत्वों का, उन कारकों का, उन घटनाओं, मिश्रा जी आपको मैंने बहुत समय दिया है सर, आपको मैंने बहुत समय दिया है, आपको मैंने बहुत समय दिया है। ना 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 सर, इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। मॉब लिंचिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मॉब लिंचिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसे मुद्दों, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हर मुद्दे, हर मॉब लिंचिंग ऐसे होती है, हर मॉब लिंचिंग ऐसे होती है, दंगे में और मॉब लिंचिंग में बहुत बड़क है सर। ये मुद्दा जस्टिफाइड नहीं है, ये मुद्दा जस्टिफाइड फाजिल अहमद सर, ये मुद्दा जस्टिफाइड नहीं है। प्लीज, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दूं, सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ जांच बैठी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और खबर का असर होता हुआ दिखाई दिया है। सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, जांच पड़ताल इनके खिलाफ की जाएगी।